क्या ना तुरु तुरु नाम है इसी का। ये छोटा सा बच्चू है, देखो देखो छोटा सा बच्चू, ये तुरु चुरु है। तुरु तुरु ना भाई, मैं क्यों कर रहा है? डर रहा है तू? डरता है? एक इतना अच्छा है छोटा सा बच्चू, ये देखो एक इतना छोटा सा बच्चा। ओरे 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 देख, ओरे 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 भागता तो है नहीं है, है भाई है? भागता तो है नहीं, नहीं भागेगा, भाग रहा है। छोटा बच्चू है ये, छोटा सा। अच्छे अच्छे बेटी बेटी बकरी का बच्चा दिखाया आप लोगों को। तो ये देखिए यहाँ पे ये भाई साहब हैं और ये अभी तैयारी कर रहे हैं फिर जाने की। आप कहाँ जाएंगे अभी भाई? हम जाएंगे भाई ऊपर गांव में, और आगे जाके आगे जाएंगे फिर क्या नाम है पिपलू घाट निकलेंगे हम। अच्छा फिर पिपलू घाट से जाएंगे आप? पिपलू घाट में रहेंगे एक दो दिन। दो दिन फिर? फिर वहाँ से निकल जाएंगे खाली होके। खाली बोले तो कौन सी खाली आई? पिपलू घाट से आगे थोड़ी अर्की वाले रोड में। अच्छा आगे वहाँ से होकर निकल गए हम अर्की। हाँ वहीं हमारा जंगल है। अच्छा वहाँ ठहरेंगे हम अपने किराए पे? हाँ परमिट बना हुआ होता है ना। हाँ वहाँ रहेंगे हम कम से कम 15-20 दिन। अच्छा एक ही जगह 15-20 दिन अर्की? प्रॉपर अर्की रहेंगे आप? प्रॉपर अर्की से थोड़ा पीछे बातल घाटी। अच्छा और यहाँ पे ये देखिए बहन जी ये अभी रेडी हो रहे हैं। कहाँ को रेडी हो रहे हैं आप? आप भी जाएंगे इनके साथ? और आप लोग भी इनके साथ रहते हैं तो आप लोग आपको ऐसा लगता कि यार मैं लेडीज हूँ तो क्यों ऐसे इनके साथ दौड़ूँ जब भी जेंट्स का काम है तो ऐसा लगता? ठीक लगता बढ़िया हमारी रोजगारी मेरी। तो देखो इनका कहना रोटी तक कमानी कमानी नहीं। हाँ। खाना तो जरूरी। अभी आप श्रृंगार कर रहे हैं, आप अपना हिमाचली ट्रेडिशनल जो मतलब पहनावा है वो दिखाएंगे। देखिए आप जरूर देखिएगा अभी इनका, देखो अभी ये तैयार हो रहे हैं फिर ये जो ट्रेडिशनल हिमाचल का जो ट्रेडिशनल पहनावा है वो भी आपको दिखाएंगे कि कैसे है। फिर भी देखिए आप कितने मेंटेन रखा है इन्होंने शरीर को भी और कितने अच्छे से रहते हैं ये। और इनकी चपाती दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, रुक रुक रुक। ये देखिए इनकी बनाई हुई चपाती, ये मोटी होती है और बड़ी होती है। खाने में भी टेस्ट है। एक एक मिनट एक मिनट बताइए आप लोगों को ये इतनी बड़ी बड़ी रोटियाँ अजीब जैसी लगती हैं? अच्छी लगती है सर, इसमें टेस्ट भी होता है और आदमी ज़्यादा होते हैं लेकिन पतली पकाएंगे तो फिर तो काफ़ी दिक्कत होगी ना पकाते पकाते। और मोटी टेस्टी होती है? टेस्टी होती है। चलो ठीक है मैं खाऊंगा आप लोगों के साथ भी किसी दिन, है ना? खाना ठीक है मतलब। हाँ और आपके पास कितना वो भेड़े हैं? भेड़े बकरी होगी, भेड़े होगी कम से कम 500। और बकरियाँ भी है? बकरियाँ भी, बकरियाँ 200 बकरी है। 500 और 200 700। ठीक है और ये देखिए इनके पास ना घोड़े भी हैं। ये एक मिनट मैं रोटी रख लेता हूँ। आप क्या कर रही है सिंगर? पिपलू लगा दिया। एक मिनट मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ फिर आप अच्छे से देखिएगा। धाटू लगा दिया और ये हमारे ट्रेडिशनल है ना धाटू, तो ये क्यों लगा के रखते हैं आप? अच्छा ये क्यों आप धाटू लगा के क्यों रखते हैं? इलके पहाड़ी जमाने से धाटू लांदे दा पलसी है हमारा पल से है तो पटू भी ठंडे ने। और नंगा सिर नहीं रखते हैं ना? नंगा सिर कभी नहीं। एक बार सॉल फिर दोबारा से लगाओ वैसे ही जैसे लगाई आपने। ये देखिए देखो कैसे लगा रहे हैं, ये सॉल है और इससे मतलब आप ठंड से भी बच जाते हैं और ये मतलब ट्रेडिशनल भी हो जाता है ना। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने जो है सॉल को बांधा और किस तरीके से इन्होंने इसको ये देखिए बड़े अच्छे तरीके से। अब इसमें आप पिन लगाओगे ना? पिन लगाएंगे फिर नीचे वो लगाएंगे। अच्छा ये ए क्या है? ये चीज़ क्या है? ये बुमन कहते हैं जी हम अपनी अपनी भाषा बोलू अपने बुमनी बुमनी बोलते हैं। और किस चीज़ की बनी है बुमनी? चांदी की। वाह। और ये जो ये कंगन जैसे हैं ये भी चांदी से। और अब घूमिए आप ऐसे घूमिए घूमिए ऐसे ऐसे घूमिए घूम जा पूरी
वाह, देखिए सच में कितना अच्छा लग रहा है ना। और अब इधर भी पीने लगाओगे ना? नहीं नहीं, यहाँ बेल्ट लगाएंगे। ये पटका? हाँ जी, पटका लगाएंगे। वाह, ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है ना। और ये हमारे यहाँ से कल्चर थोड़ा सा अलग है इनका। ये अपर पहाड़ से जो है वो बिलोंग करते हैं। और कितना अच्छा लगा देखो। और वैसे आपके प्रॉपरली घर कहाँ है भाई आपके? ब्रोट जी। ब्रोट? हाँ, ब्रोट कहाँ पड़ा? डिस्ट्रिक्ट मंडी में। डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और अपर पहाड़ से है ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या बर्फ पड़ती है? आजकल तो पड़ गई है। अच्छा, तो जो बर्फ कितनी कितनी पड़ती है आपके यहाँ? पहले पहले तो पड़ती थी, 2-3 फुट पड़ जाती थी। दो तीन तीन फुट? वाह, अच्छा। फिर इस साल तो कम पड़ी है अभी। अच्छा, शायद पड़ेगी आगे को और पड़ेगी अभी, है ना। आज 26 जनवरी को वैसे भी पड़ती है, आज तो 26 जनवरी है ना। और फिर आप वहाँ से यहाँ क्यों आते हैं ये बताइए? हमारे सर ऐसा होता है वहाँ की ठंड की वजह से बर्फ पड़ जाता है, घास बिल्कुल खत्म हो जाता है वहाँ। अच्छा, उसकी ये वजह से माल तो भूखा रखेंगे नहीं। हाँ, उसकी वजह से यहाँ आ जाते हैं निचली साइड। जब यहाँ घास घूस होता है, पत्तियाँ चली रहती हैं यहाँ, गर्मी का मौसम आ जाएगा तब ऊपर पहाड़ के लिए रवाना हो जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ मतलब बर्फ पिघलना शुरू होगी वहाँ पे, पहाड़ के लिए रवाना होंगे। अच्छा, फिर आप लोगों को यार घर की याद नहीं आती है क्या? ऐसा लगता है जैसे घर में पहुंच गया ना, बैठे ही। अच्छा, और फिर यहाँ से आप जाएंगे मार्च या अप्रैल में? मार्च में हो जाएंगे जी, हम नीचे से वापस पहुँच गए, अप्रैल एंड में पहुँचेंगे। अच्छा, यहाँ से मार्च से चलेंगे और मार्च अप्रैल लास्ट में पहुँचेंगे। अच्छा ठीक है। तो आप ट्रेडिशनल जो आपने ये लहंगा जैसा बनाया वो बहुत अच्छा लगा। और ये जो ये इसको क्या बोला, मुंबन? बुम्बन, ये बुम्बन भी जो बहुत अच्छा लगा, धातु के साथ बुम्बन। वाह, सच में ही अच्छा लगा। ठीक है, पर इनके ये है देखिए घोड़े, यहाँ पे घोड़े कितने हैं आपके पास? 8 घोड़े। 8 घोड़े? इनको भी खिलाते हैं आप ये रोटी? वाह, औरों को भी, चलो 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 दिखाओ। ओ, 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 ओ। आ जाएंगे ये अपने आप? ये देखिए अभी ना दूर दूर है ये। देखो कैसे खुद आ रहे हैं, है ना। क्या नाम है इसका? नीली। नीली, इसका नीली है। हाँ जी। सबके नाम रखे हैं आपने वैसे? सबके नाम। और ये जो ये है यहाँ पे, ये बिंदी, ये है बिंदी। और ये वाला, ये भी नीली, इसका नाम भी नीली है। नीली दो है, नीली और ये बिंदी, है ना। डबू ला। कौन है डब्बू? गोली गोली। वाह, कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं घोड़े यार, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जितनी मेरी YouTube फैमिली ना देख रही है तो प्लीज़ बताइएगा आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और इनके साथ ना मैं अभी 10 या 15 मिनट हुए हैं इनके साथ बैठे हुए को, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और शायद कल या परसों तक ना मैं वीडियो दूसरी भी डालूंगा जो इनके साथ मैंने बनाई है। और इनके यहाँ मतलब जैसे ये गुजारा कर रहे हैं ना, तो वैसा देख के जो है वो आप एक बार गहराई से आप लोग भी देखिएगा कि कैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इन पहाड़ों में और इन पशुओं के साथ। ये पशुओं को उतना ही प्यार देते हैं जितना अपनी फैमिली को जो है वो प्यार देते हैं ना, अपनी फैमिली की तरह ही जो है इन पशुओं को भी ये प्यार करते हैं। तो ऐसा ही करना चाहिए वैसे अकॉर्डिंग इंसानियत, है ना। ये इसका नाम क्या है? इसका बोली 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 नाम है इसका। बोली इसकी बेटी है ना? किसकी बेटी है? इसकी बेटी है ये, है ना।
वाह, आपके पास कितने घोड़े? तीन? आठ घोड़े। हाँ, पांच। ये बड़े हैं ना, दो बच्चे हैं। ये दो बच्चे, ये काले काले जैसे है ना। ये देखिए, ये भी बच्चा है और ये भी बच्चा है। ये आपने खरीदे हैं ये? नहीं जी, इनके ही है। अच्छा, इसका ये बच्चा भी। अच्छा, इसका ये भी बच्चा और ये भी इसका ही है ना। अच्छा, अब क्या मांग रहा है ये? और मांग रहा है रोटी। रोटी दे दे रहा है। ऐसा बोलता है भाई, रोटी दो मेरे को और। ओ ओ ओ ओ ओ मेजबान मान लेगा जी, बोल तो सकता नहीं है। हाँ, अभी ना सारे लानी, काठिया लानी, इन्हें बोल लगा। देखिए कैसे इनके साथ चल पड़ते हैं ये। ये जो घोड़ी होती है ना, ये कितने महीने बाद जो है बच्चा दे देती है? 12 महीने के बाद। साल? अच्छा, अब ये क्या कर रहे हैं आप इसको? अब इसके ऊपर लगेगा सामान। अच्छा, इनके ऊपर सामान लादना अब? तो ये क्यों रखा कपड़ा जैसा? अच्छा, और लगाना इसके ऊपर कुछ अभी? अच्छा, इसमें क्या डाला आपने? अच्छा, ये कपड़े धोने के लिए। फिर कहाँ धोएंगे आप इनको? जहाँ पानी मिलेगा वहीं। अच्छा, ये जो ये आप इसके ऊपर रख रहे हैं ना, ये आप मतलब ओढ़ते भी है इनको कि इनके ऐसे ही रख रहे हैं? ओढ़ते हैं। अच्छा, अच्छा, ओढ़ने के लिए कम्बल को मुझे हम चलेंगे नहीं मारे, यही ऊन का। अच्छा, जो ये नीचे वाला, ये इसी का है? ये ऊन का ही बनाया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, ये इस घोड़े के लिए स्पेशल ही है। स्पेशल घोड़े के लिए। अच्छा, और ये कपड़े इसके ऊपर रख रहे हैं ना? इससे तो ओढ़ लेते हैं ना। आहो, वाह, ये सेटिंग करनी भी आसान बात नहीं है ना। ये लकड़ का है ये? हाँ जी, लकड़ का ये। अच्छा, इसको लगाते हैं ऐसे? ऊपर तो सामान टिकेगा नहीं, तो घुस जाएगा सारा सामान। ये लग गई इसको काठी है ना? ये खराब है। ये मारेगी तो नहीं ना? वो नहीं मारेगी बिल्कुल भी। चढ़ जाओ आप, दबा दिया मैंने। चढ़ जाओ भाई जी, ऐसे बैठ जाओ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जब मैं ना बहुत छोटा था, अच्छा, तब मैं मतलब हमारे यहाँ एक बैतू आता था ना, उसका नाम चंदू था। उसके पास घोड़े होते थे, वो सामान ढोता था हमारा। तो उनके घोड़े पे बैठता था मैं, और आज पता नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, मैं बोलता कोई 25 साल बाद बैठना शुरू किया होगा। किया, किया, अच्छा लग रहा है। हाँ, लिया वाला भाई, इसको लिया और खींच के ले आजा। नहीं नहीं, आप बैठे रहो। बस हो गया। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ऐसे ही आप सब के ऊपर ऐसे काठियां बांध देंगे अभी, है ना? बांध देंगे, फिर बाद में ये बोरू डाल देने। हां, जितना भी आप लोगों के पास सामान है वो इनके ऊपर लद देना है ना।
यहीं पे हम वीडियो का एंड कर रहे हैं और अभी हम फिर दोबारा से मिलेंगे, इनके साथ फिर बातचीत होगी जब इनकी बकरियां भी होगी और सारे ये लोग इकट्ठे होंगे और खाना बनाएंगे, है ना, तब हम दोबारा से इनके साथ होंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो वाली भी और इस वाली को तो आप देख ही लेंगे। और अभी मतलब बजे हैं 10, तो एक्चुअली वो सुबह सुबह ही इकट्ठे रहते हैं, इनके जो भेड़ बकरी होती है ये 9 बजे जो है वो चुगाने ले जाते हैं, इसलिए इन्होंने मुझसे कहा कि आप जो है वो कल 8 या 9 बजे के करीब आना, तो मैं जाऊंगा वहाँ पे। और ये अभी मैं इनको फ़ोन कर लूँगा, इनका फ़ोन नंबर मैंने ले लिया है कि कहाँ होंगे ये, जितनी भी दूर होंगे मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बहुत बहुत बार रिक्वेस्ट किया है मेरे भाई ने, कौन है वो पता नहीं, कौन भाई है वो, जो भी भाई है, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है वो बकरियों के बीच में एक वीडियो बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगा और आप लोग देखिएगा ज़रूर उस वीडियो को, कल किसी भी चैनल पे आ सकती है वो, हिमाचली ब्लॉगर शुक्ला चैनल पे आ सकती है या हिमाचली पहाड़ी मुंडा पे, किसी पे भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। ओके बाय बाय, आप भी करो बाय बाय, करो बाय 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 बाय।